जब हम किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तब हमें पता होती है कि उसकी वैल्यू आज कितनी है, और जब हमारे पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा तो उसके बाद उसकी वैल्यू मार्केट के साथ या फिर कंपनी में इंडिविजुअली कुछ पर्सनल कुछ ऐसे डिस्प्यूट होते हैं, कंपनी के रिजल्ट खराब आते हैं अच्छे आते हैं, तो कंपनी के स्टॉक का भाव ऊपर या नीचे जाता है और हमें पता लगता रहता है। लेकिन यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड में, चाहे वो SIP के थ्रू करते हो चाहे वो आप लमसम करते हो, तो वहां पर एक चीज होती है NAV, नेट एसेट वैल्यू। तो कभी आपने NAV पर गौर किया है कि NAV का मतलब क्या होता है, NAV का प्राइस वैल्यू किस तरह से डिसाइड होता है, कौन सी कैलकुलेशन की जाती है? क्योंकि एक म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर कम से कम 30-35 स्टॉक्स होते हैं, भले वो लार्ज कैप ले लो आप, तो 30-35 स्टॉक का एक बास्केट जब होगा तो वहां पर एक NAV 100 रुपए की, 200 रुपए की, 50 रुपए की जो निकल कर आती है वो किस बेस पर निकल के आती है, और NAV कब ऊपर और कब नीचे जाती है, और किस NAV पर आपको म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स हैं वो ज्यादा खरीदनी चाहिए, या फिर जब आप पहली बार म्यूचुअल फंड में SIP या फिर लमसम कर रहे हो तब NAV आपको देखना चाहिए, क्या NAV एक्चुअल में मैटर करता है। तो ये सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि NAV का असली मतलब क्या होता है। किसी भी फंड की NAV 100 रुपए की, 200 रुपए की, 1000 या 2000 रुपए की है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो इसके लिए हम चलते हैं बोर्ड पर। तो हम बात कर रहे हैं NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू। ये नेट एसेट वैल्यू इसकी फुल फॉर्म होती है। किसी भी म्यूचुअल फंड में जब आप SIP करते हो तो आपको NAV में यूनिट्स वहां पर मिलती हैं। अब इसका डिसाइड कैसे होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है उसकी NAV कितने रुपए रहेगी। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे ना, मान लीजिए 2000 रुपए की SIP कर दी, तो मान लीजिए वहां पर 100 रुपए का NAV है, तो 100 रुपए से 2000 को डिवाइड करके उतना ही नंबर ऑफ मतलब यूनिट्स आपको एलोकेट कर दी जाएंगी। तो इसमें 3-4 चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में कम से कम 30-35 जो है स्टॉक्स का एक बास्केट बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ समझने के लिए मैं आपको केवल 2 स्टॉक से समझाऊंगा। मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम XYZ है, ठीक है, ये XYZ स्कीम है, इसके अंदर कंपनी ए है, एक कंपनी ए, इसके जो है कंपनी ए के यहां पर 500 स्टॉक है, 500 स्टॉक है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपीज के हिसाब से कंपनी ए के 500 स्टॉक है किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में। इसी के साथ एक कंपनी और होगी, कंपनी बी मान लेते हैं, कंपनी बी के 300 स्टॉक है, ये है एट द प्राइस ऑफ 50 रुपीज पर शेयर, जो म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर ये दो कंपनी के हैं, यहाँ 20 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। इसी के साथ म्यूचुअल फंड के पास कैश होल्डिंग कितनी है तो वो भी हमें यहाँ पर काउंट करनी पड़ेगी, कैश होल्डिंग, ठीक है। तो कैश होल्डिंग इस केस में फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 50,000 रुपए की कैश होल्डिंग अभी म्यूचुअल फंड के पास है। तो अब हमारे पास 3 चीजें आ चुकी हैं, कंपनी ए के कितने स्टॉक है, कितने रुपए पर मतलब शेयर खरीदे हैं, कंपनी बी के कितने स्टॉक्स हैं, कितने पर शेयर के हिसाब से हैं, और कैश होल्डिंग कितनी है। अब तीनों चीजों को हमें करना क्या है, इनको ऐड करना है, इनकी वैल्यू ऐड करनी है। तो 500 शेयर है 100 रुपीज के हिसाब से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50,000 रुपए। कंपनी बी के जो शेयर है 300 शेयर है 50,000 रुपए के हिसाब से, इसकी वैल्यू हो जाएगी 15,000 रुपए, 15,000 रुपए प्लस इसी में ऐड कर देंगे हम जो भी टोटल कैश होल्डिंग है, 50,000 रुपए की कैश होल्डिंग है। इन तीनों को ऐड करने के बाद दोनों कंपनी के स्टॉक्स उनकी वैल्यू करंट प्राइस पर प्लस कैश होल्डिंग, ये निकल कर आया हमारे पास 1,15,000 रुपए। अब 1,15,000 रुपए आ गया तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कंपनी पर देखना पड़ेगा कुछ लाइबिलिटीज तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मान लेते हैं कंपनी के पास 10,000 रुपए की लाइबिलिटीज है, ठीक है, तो 10,000 रुपए की लाइबिलिटीज यहां पर आ गई है। तो अभी तक जो फंड की टोटल होल्डिंग निकल कर आई है उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितनी वैल्यू निकल कर आई थी, 1,15,000 रुपए, 1,15,000 रुपए हमारे पास वैल्यू निकल कर आई थी। अब इसके अंदर से माइनस कर देंगे हम 10,000 रुपए, 10,000 रुपए माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1,05,000 रुपया। ये जो वैल्यू निकल कर आई है लाइबिलिटीज को माइनस करने के बाद और इसमें कैश होल्डिंग ऐड करने के बाद, दोनों कंपनीज का या कितनी भी कंपनीज का इसके अंदर शेयर्स हैं उसकी क्या करंट प्राइस की वैल्यू है, उसके बाद हमारे पास एक नंबर निकल कर आ गया 1,05,000 रुपए। अब यहां से आगे क्या करना है वो कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं, 1,05,000 को यहां लिख लेते हैं। अब हमारे पास जो एक वैल्यू निकल कर आई है यानी कि फंड की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 1,05,000 रुपए। अब इसको करना कैसे है NAV निकालने के लिए, अब NAV निकालने के लिए हमें इसकी यूनिट पता होने चाहिए कि कितनी आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हैं म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम की। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई स्टेट बैंक का, एक्सिस बैंक का, या फिर ICICI बैंक का, SDFC बैंक का, कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम है लार्ज कैप स्मॉल कैप, तो उसकी यूनिट जो होती है ना मार्केट में, अब वो कैसे बढ़ती घटती है वो भी बताऊंगा, उसकी नंबर्स जो है यूनिट्स का वो कैसे घटता बढ़ता है वो भी बताऊंगा आपको। तो फॉर एग्जांपल किसी स्कीम का जैसे XYZ स्कीम हमने मानी थी, यहां पर 1,000 यूनिट इसकी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, 1,000 यूनिट्स मार्केट में अवेलेबल है, तो इसकी NAV निकालने के लिए जो ये हमारे पास फंड की वैल्यू आई है, फंड वैल्यू, ये
फंड वैल्यू को डिवाइड कर देंगे हम यूनिट से, तो बराबर क्या होगा, 105,000 रुपए डिवाइडेड बाई 1,000 रुपीज। तो यहां 0 से 3 0 कट जाएंगे, तो यहां पर फंड की जो एनएवी निकल कर आई है वो आई है 105 रुपए। यह हो गई फंड की एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। यदि इसी केस में मान लीजिए 1,000 यूनिट ना होकर 10,000 यूनिट हो सकती हैं, तो जो 105,000 रुपए की वैल्यू हमें निकल कर आई थी, इसको हम 10,000 रुपए से डिवाइड कर देंगे, 10,000 रुपए से, तो ये कट गए और यहां, यानी कि वैल्यू निकल कर आएगी 10.5। ये एनएवी निकल कर आ गया किसी भी म्यूचुअल फंड का। तो किसी भी म्यूचुअल फंड की एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू की कैलकुलेशन इसी प्रकार से की जाती है, और इसका घटने बढ़ने का कुछ वजह तो आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे कि जब हमने पहले ऐड किया था, दो कंपनी के स्टॉक्स यहां पर हमने लिए थे, एक कंपनी का 100 रुपए प्राइस था, एक कंपनी का 50 रुपए था, एक कंपनी के 500 शेयर थे, एक कंपनी के 300 शेयर थे। उसके बाद हमने कैश वैल्यू, जो कैश होल्डिंग्स थी 50,000 रुपए की, वो ऐड की थी। उसको ऐड करने के बाद हमने लाइबिलिटीज को उसमें से माइनस यानी कि डिडक्ट कर दिया था, तब जाकर हमें एक फंड की एक्चुअल वैल्यू यानी कि होल्डिंग निकल कर आई थी। उसको हमने नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया था, तब एक यूनिट के पैसे निकल कर आए थे, जिसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। अब जो ये निकल कर आई है, यदि 10,000 रुपए से डिवाइड करें तो 10.5 रुपए की जो एनएवी निकल कर आई है, तो यहां पर जब एक यूनिट खरीदोगे आप, तो आपको 10.5 रुपए दे दोगे आप, तो आपको एक यूनिट एलोकेट कर दी जाएगी। यदि आप बेचना चाहोगे तो आप एक यूनिट बेचकर आपको 10.5 रुपए वापस कर दिए जाएंगे, जिस प्राइस पर उस समय जब आप रिडीम करोगे या फिर परचेस करोगे, जो भी प्राइस होगा। ये फ्लक्चुएट कर सकता है। अब फ्लक्चुएट किन कंडीशन में करता है, जब जो स्टॉक्स म्यूचुअल फंड की बास्केट में है, पोर्टफोलियो में है, उनका प्राइस ऊपर नीचे आता है। अब सभी का नहीं, उनमें से एक दो का भी ऊपर नीचे जाएगा तब भी थोड़ा बहुत उसमें फर्क पड़ेगा, या फिर मार्केट में अप डाउन है, मार्केट बहुत ज्यादा बियरिस है, या फिर मार्केट बहुत ज्यादा बुल है, बियरिस है, तो इन दोनों स्थितियों में जो है म्यूचुअल फंड की एनएवी ऊपर और नीचे जाती है। मार्केट में डिमांड ज्यादा आ रही है तो एनएवी बढ़ जाएगी, मार्केट में डिमांड कम आ रही है तो एनएवी घट जाएगी। यानी कि उस म्यूचुअल फंड की स्कीम को ज्यादा लोग खरीद रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस ऊपर चला जाएगा, और यदि ज्यादा लोग उसको सेल करने लगेंगे तो म्यूचुअल फंड की डिमांड कम हो जाएगी यूनिट्स की, तो उसका प्राइस धीरे धीरे नीचे भी आ सकता है। तो उस केस में क्या होगा, जब एक लिमिटेड नंबर से उसकी यूनिट्स जो कंपनी है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके बाद ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो वो भी उनको सेल करके उसका जो कैश फ्लो अपने पास कर लेंगे, और यूनिट्स जो है जितनी मार्केट में रिक्वायरमेंट है उतनी जो है मार्केट में वो फ्लो कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड की एनएवी को प्रभावित करते हैं, उसको बढ़ने के लिए घटने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूं कि एनएवी का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, लेकिन क्या आपको यह समझ में आया कि क्या आपको म्यूचुअल फंड खरीदते समय एनएवी का वैल्यू कितना है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये मैं आपसे यही बोलूंगा कि ये इतनी बड़ी ध्यान देने वाली चीज नहीं है, क्योंकि कई बार अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज्यादा बढ़ने से भी एनएवी की वैल्यू कम हो सकती है, प्लस नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ने से, या फिर यदि स्मॉल कैप स्टॉक है मतलब फंड है तब उसमें, तो अलग अलग फंड में अलग अलग एनएवी हो सकती है। तो इसके जो फैक्टर्स हैं यही हैं। यदि आपको किसी फंड की एनएवी कैलकुलेट करनी है तो आप आसानी से शायद कर सकते हो। तो यदि एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू का फंडा आप पूरी तरीके से समझ चुके हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, बाकी लोगों के साथ साझा भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, प्लीज कीप वॉचिंग इन्वेस्टमेंट का फंडा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।